बोले राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा और राजा का बेटा भी गरीब होगा ननौरा ग्राम पंचायत में, क्योंकि ननौरा ग्राम पंचायत में पदाधिकारी लोग राजा का बेटा को राजा बनाते हैं, आईएएस के बेटा को आईएएस बनाते हैं और गरीब को बेटा से आईटा ढोलवा। डॉक्टर से हमने पूछा तो बीपी भी आपका जो है अब गिरता जा रहा है, तो कहीं कहीं स्थिति आपका बिगड़ जाएगा, तब कैसे बोलिएगा? क्या हुआ होगा भैया, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हाँ। हरीन सदा वह तपोभूमि, हाँ। नित पूजन संघ है अर्चना जहां, हाँ। तन के काटा कब चुभेगी, हाँ। जब तक मनीष कश्यप यहां नहीं आएंगे ना, हाँ। तब तक मैं यहां से आम्रन अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं मनीष का चेला हूँ। 56,36,474 रुपया गबन है भैया। अच्छा, ये गबन कैसा गबन हुआ है, काम नहीं हुआ है भैया? धरातल पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, और पैसा निकल गया। कौन कौन से काम नहीं धरातल पर हुआ? धरातल पे ये देखिए भैया, हाँ। ये सारा आरटीआई के तहत, हाँ, हाँ, हाँ। ये दिखाइए थोड़ा सा, पढ़ के बताइए। ये देखिए, हाँ। ग्राम चिरैया में फयाज मियां के घर से, हाँ। जगदीश यादव के घर तक नाला का निर्माण, हाँ। था। इसका प्रकलित राशि था भैया 3,24,300, लेकिन ये भैया भौतिक स्थिति पूर्ण लिख दिया है, लेकिन वहाँ धरातल पे काम नहीं। मेरे ऊपर केस कर दिए भैया प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सानिया परवीन। देखिए हमको कितना प्रताड़ित किए हैं, कभी मेरा सचिव से कहे, हाँ। बुला के एगो आवेदन दिलवा दिए, हाँ। उसके बाद में बोले कि इसके नाम से कह लिख दीजिए कि फोल सिग्नेचर से पैसा निकाल लिया, हाँ। मेरा सचिव लिखा, हाँ। सानिया परवीन में उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट भी बनाया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन यहाँ की जनता लाचार है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक बैनर लगा हुआ है और 15 तारीख से ही पंचायती राज कार्यालय के सामने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर एक युवा, कहें तो जितेंद्र कुमार जो हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ बात करें तो बिहार में सुशासन का यदि बात करें तो सभी नेता गाल बजाते हैं, प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी ये पता नहीं है बिहार में भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला हुआ है। चूंकि भ्रष्टाचार बिहार में यदि बात करें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। यदि बात करें तो पंचायती राज से, ब्लॉक लेवल से, अंचल से, मनरेगा से, हॉस्पिटल से, कहें तो तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है कौन? यदि बोलिएगा तो आपके जवान को, जुबान को दबा दिया जाएगा, चूँकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ जब भी चलता है तो एक बड़े अधिकारी का चलता है और नहीं तो सफेद पोस्ट जो नेता हैं उनका चलता है। गरीबों की आवाज़ बिल्कुल दबाई जाती है। और हमारे साथ में जितेंद्र कुमार हैं जो बीड़ा उठाए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और 4 दिन बीत गया, दुर्भाग्य है कि 4 दिन बीत गया और 4 दिन बीत जाने के बाद न यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी, न यहाँ के अंचलाधिकारी, न यहाँ के थाना प्रभारी, किन्हीं के द्वारा जो है अभी तक सहयोग नहीं मिला है। और आपको बता दें कि ये अनशन जो है नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के ये पंचायती राज्य कार्यालय नारदीगंज में ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और इस प्रखंड में कहें तो ननौरा पंचायत की ये प्रतिनिधि भी हैं, लगातार कहें तो बड़ी लूट हुई है, बड़ी घोटाला हुई है, उसके खिलाफ जो है ये अनशन पर हैं। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कारण, क्या वजह रही है, क्या कारण क्या वजह रही कि आप आमरण अनशन करने पर मजबूर हो गए? मजबूर हम इसलिए हो गया भैया, हाँ। कि हम लगातार 2 बार से वार्ड सदस्य का चुनाव जीते हैं, हाँ। 2015 में हम वार्ड सदस्य का चुनाव जीते तो मेरे विपक्ष का मुखिया थे, पंचायत सचिव सत्येंद्र पासवान थे, अच्छा। बीडीओ राजीव कुमार रंजन थे, हाँ। इन लोगों ने भैया हमको इतना रगड़ा भैया, क्योंकि मैं सारा काम सच कराया हूँ भैया, जाके मेरा काम आप देख सकते हैं। 2015 में जीते थे, हाँ हाँ, सारा काम मैं सत्य कराया हूँ। इन सत्य कराने के बावजूद कभी मेरा सचिव से आवेदन दिलवा देते थे, हाँ। जहाँ तक कि आवेदन दिलवाने के बाद एसडीओ उमेश भारती थे उस समय, हाँ। उस समय मेरा जो एक मशीन आता है, हाँ।
गुणवत्ता की जांच करने वाला हाँ। उसको जाके ऐसे मारते थे हाँ। और उसके बाद में हमारी गुणवत्ता जांच करते थे हाँ। और बाकी किसी मुखिया का गुणवत्ता नहीं जांच करते थे, ना किसी पंचायत समिति का गुणवत्ता जांच करते थे, लेकिन हमारी गुणवत्ता को वो जांच करते थे। गुणवत्ता तो क्या, तो जांच करना चाहिए, पदाधिकारी का काम ही है गुणवत्ता को जांच करके ही जो है पैसा आवंटन किया जाता है। तो मेरी गुणवत्ता को जांच करना चाहिए भैया, तो मुखिया जी को भी गुणवत्ता को जांच करनी चाहिए थी। ये तो पदाधिकारी पर निर्भर होता है, आप अनशन पर बैठ गए, उसका क्या मूल वजह क्या है? मूल उसका यही वजह है भैया कि हमारा 75,000 रुपया निकल रहा था भैया। अच्छा, 75,000 कैसा पैसा निकल रहा था? सात निश्चय योजना का भैया, योजना करवाया थे हाँ। वो पैसा अभी आपको मिला नहीं? नहीं मिला भैया, 7 साल हो गया भैया हाँ। 7 साल हो गया, मैं 38,000 रुपया भैया किसी से सूद पर लिया था 5% के हिसाब पर हाँ। अब उसको हम भैया 7 साल में भैया हम उसको 1,15,000 रुपया दिए भैया, लुधियाना कमा के, हम लुधियाना कमाते हैं हाँ भैया हाँ। उसके बाद में हम जब भी आए तो मैडम को 3 बार बोला, सानिया परवीन को हाँ। कि मैडम आप मेरा कर दीजिए। सानिया परवीन कौन है? प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अच्छा, हाँ, उन, हाँ, हाँ। उनको मैं बोला मैडम मेरा पैसा निकलवा दीजिए ना हाँ। वो सीधे बोलते हैं पैसा नहीं निकलवाएंगे, जहाँ तुमको जाना है जहाँ जाओ हाँ। फिर मैं RTI लगाया भैया अच्छा। RTI लगाया भैया, जब RTI मैं लगाया हाँ। तो हमारे पंचायत से यह साक्ष्य पता चल गया कि 56,76,440 रुपया गबन, ये मेरा RTI का रिपोर्ट। ये गरीब जरूर है, लुधियाना में काम करते हैं, और इन्होंने जब RTI सूचना के अधिकार से जब ये अपना अधिकार जानने का प्रयास किए तो देखिए पंचायत का पूरा गबन का पोल खुल गया है, और 56,76,440 रुपया गबन है भैया। अच्छा, ये गबन कैसा गबन हुआ है? काम नहीं हुआ है भैया, धरातल पे काम नहीं हुआ है अच्छा, और पैसा निकल गया। कौन कौन से काम नहीं धरातल पर हुआ? धरातल पे ये देखिए भैया हाँ। ये सारा RTI के तहत हाँ, हाँ, हाँ। ये दिखाइए थोड़ा सा, पढ़ के बताइए। ये देखिए हाँ। ग्राम चिरैया में फयाज मियाँ के घर से हाँ। जगदीश यादव के घर तक नाला का निर्माण हाँ। था, इसका प्रकलित राशि था भैया 3,24,300 लेकिन ये भैया भौतिक स्थिति पूर्ण लिख दिया है, लेकिन वहाँ धरातल पे काम नहीं हुआ। देखिए बिहार में ये मामला नहीं है, बिहार में यदि बात करें तो जाँच होगी तो हर एक प्रखंड में जो है, हर एक जिला में यदि बात करें तो जितने भी जिला बिहार में है और सभी जिला में हर एक प्रखंड में ये सब जो मामला निकलेगा, और मुखिया जी और पदाधिकारी के मेल से जो है गबन होता है। जनता का भी कमी है, जनता ग्रामीण जनता चूंकि जागरूक नहीं है, समझती नहीं है, और कहीं कहीं सामने आकर बोलना जो है अपना अधिकार के खिलाफ बोलता नहीं, अधिकार मांगता नहीं, जिसके कारण जो है नेताजी भी लूटते हैं और पदाधिकारी भी मोटा जाते हैं। लेकिन ऐसे समझिए कि नौजवान युवा व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने अधिकार को समझा और अधिकार मांगने का प्रयास किया। मेरे ऊपर केस कर दिए भैया हाँ। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सानिया परवीन हाँ। देखिए हमको कितना प्रताड़ित किए हैं हाँ। कभी मेरा सचिव से कहे हाँ। बुला के एगो आवेदन दिलवा दिए हाँ। उसके बाद में बोले कि इसके नाम से कह लिख दीजिए कि फोल सिग्नेचर से पैसा निकाल लिया। मेरा सचिव लिखा सानिया परवीन में, उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट भी बनाया। जब हमको DM साहब कहां से, अच्छा ये अब तो हो गया हाँ। कहां से अभी तक जो है आप लोग का सहयोग मिला है? कौन कौन पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए हैं? कोई भी पदाधिकारी नहीं आए भैया, 4 दिन से बैठे हुए हैं नहीं आए भैया हाँ। जब मैं हाईकोर्ट भी किया हूं भैया, ये देखिए मेरा हाईकोर्ट का कागज है। अच्छा, हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया? हाँ भैया, फैसला आ गया, इस पे लिखा हुआ है भैया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 निश्चय इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 18-19, 19-20, 20-21 ग्राम पंचायत ननौरा हाँ, ब्लॉक नारदीगंज हाँ, डिस्ट्रिक्ट नवादा हाँ, एंड काउंसिलिंग द इंक्वायरी विथ टाइम फोर एंड थिएटर टेक अप्रोच लीगल एक्शन, मतलब लीगल एक्शन लिया जाए हाँ, तत्वरित कार्रवाई मोहित हाँ, कुमार शाह का ये ऑर्डर है भैया, देखिए कोर्ट से आ गया हाँ, कोर्ट से। लेकिन फिर भी जिला पदाधिकारी महोदय हाँ, आंख में काला पट्टी बांधे हुए हैं और बड़े बड़े नेता से फोन कराते हैं, कहते हैं कि केस कंप्रोमाइज कर लो हाँ, नहीं तो तुमको कोई मार देगा। हम कहें मरने के लिए तैयार है लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाएंगे, ये मेरा वादा है। जितेंद्र है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा ननौरा पंचायत में। बोले राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा और राजा का बेटा भी गरीब होगा ननौरा ग्राम पंचायत में, क्योंकि ननौरा ग्राम पंचायत में पदाधिकारी लोग राजा का बेटा को राजा बनाते हैं, IAS के बेटा को IAS बनाते हैं और गरीब को बेटा से आईटा ढोलवाते हैं। लेकिन इतना आप जोशीला बोल रहे हैं हाँ, आपका 4th दिन है हाँ, BP भी जो डॉक्टर से हमने पूछा हाँ, तो BP भी आपका जो है अब गिरता जा रहा है,
तो कहीं कहीं स्थिति आपका बिगड़ जाएगा, तब कैसे बोलिएगा? क्या हुआ होगा भैया, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हाँ। हरीन सदा वह तपोभूमि, हाँ। नित पूजन संघ है अर्चना जहाँ, हाँ। तन के काटा कब चुभेगी, हाँ। जब तक मनीष कैसप यहाँ नहीं आएंगे ना, हाँ। तब तक मैं यहाँ से आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं मनीष का चेला हूँ, हाँ। मैं ऐरू गैरू का चेला हूँ। इसका भरत पदाधिकारी से डरेंगे, हाँ। जो ननौरा ग्राम पंचायत को लूटने का काम किया है, एक कौन मनीष कश्यप, हाँ मनीष कश्यप का मैं चेला हूँ भैया। मैं उनका वीडियो देख देख के ये आवाज उठाया हूँ, और इस केस को भैया मैं 7 साल से कोर्ट लड़ रहा हूँ, 7 साल से। मैं लुधियाना कमा कमा क्या लगता है कुछ मिलेगा? बिल्कुल न्याय, हम बिल्कुल न्याय हम लेके रहे, न्याय मिलेगा। अगर हम नहीं रहे भैया, हाँ। तो मेरी पत्नी न्याय लेगा, लेकिन बिल्कुल लेगा। अगर वो नहीं लेगा, हाँ। तो मेरा बेटा न्याय लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय लेगा, हाँ। ये हम कह रहे हैं, हम उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। देख सकते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। कौन सा गांव हुआ पंचायत? गांव हुआ भैया मेरा बरियो, वार्ड नंबर 8 का। मैं अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य के पद पर मैं कार्यरत हूं, ग्राम पंचायत नवरा हुआ भैया, प्रखंड नारदीगंज, जिला नवादा। देख सकते हैं, तो ये जितेंद्र जी हैं, और इनका हौसला बहुत ही समझ सकते हैं, इनका हौसला का कि क्या दाद देंगे, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हैं और आवरण अनशन पर बैठ गए हैं। और मनीष जी के बात करें तो प्रेरणा पर, उनके प्रेरणा पर जो है चल रहे हैं, और जब तक तो जब तक इनका कहना है कि जब तक मनीष कश्यप नहीं आएंगे तब तक हम आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। जबकि बड़े बड़े सफेद पोस्ट नेता का फोन आ रहा है, पदाधिकारी का भी फोन आ रहा है, तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जांच का मामला इनका, तो मामला सिर्फ जांच का है, जांची का मामला है? नहीं, जांच तो हो गया। अच्छा, यहाँ यहाँ कार्रवाई का, कार्रवाई का है, इन लोग FIR नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जांच तो हो गया, ये जांच रिपोर्ट है ना? अच्छा, ये देखिए। कौन कौन जांच किया था? जांच किए हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अच्छा, ये देखिए, और ये जांच कैसे किया है, हाँ। आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हाँ। ये देखिए भैया, जांच यहाँ लिखे हैं, वार्ड संख्या 3 में कुल हस्तांतरित राशि 31,11,025 रुपया है, हाँ। मैंने आपको 31 लाख रुपया दिया भैया, हाँ। और यहाँ है मापी पुस्तिका की राशि 30,39,000 रुपया भैया, हाँ। मेरे पास बचा 1 लाख रुपया भैया, लेकिन यहाँ देखिए जिला पदाधिकारी जो UPSC तैयार करके आए हैं, हाँ। वो हमको बुड़बक बना रहे हैं, और देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, खाता में शेष राशि 2,56,823 रुपया। महोदय, आपने मेरे को रुपया दिया है। जांच तो सही टीम से होना चाहिए ना जी। हम तो, मैं सुप्रीम हाईकोर्ट से मांग किया था, हाँ। कि सर मेरी जांच CBI से हो, हाँ। लेकिन हाईकोर्ट ने, जज साहब ने CBI को नहीं दिया, बसरते DPRO को दिया, और जब DPRO ने जांच रिपोर्ट किया तो मेरे असंतुष्ट जांच रिपोर्ट। चलिए, तो यही बात है कि बिल्ली को ही दूध का रखवाली करने के लिए दे दिया, न्यायालय ने तो वरीय पदाधिकारी को दिया होगा, लेकिन जिस विभाग का जो गबन हुआ है, जिस पदाधिकारी के सिग्नेचर से गबन हुआ है, उसी के वरीय पदाधिकारी को दे दिया। तो समझ सकते हैं कि इनका जो है पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा उस पदाधिकारी, उस कुर्सी तक गया होगा। और पदाधिकारी, जब बताइए कि बिल्ली को यदि दूध की रखवाली करने के लिए दे दीजिएगा तो कैसे सुरक्षित दूध कैसे रहेगा, वही बात इस जाँच में हो रहा है। तो हम वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि ये अकेला इंसान है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में नवादा ज़िले में अपना जो है दमखम दिखा रहे हैं, और इस जगह तक पहुंच पाए हैं, और 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं। और वीडियो के माध्यम से चूंकि हम कहना चाहेंगे कि उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, चूंकि हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अपने अधिकार को समझेगा नहीं, तो फिर कैसे हम कैसे लड़ पाएंगे, कैसे पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं से हम लड़ पाएंगे। मेरे पंचायत में अभी वर्तमान में 21 में 3 छठ घाट बना है, हाँ। अभी जाके अगर मैं गलत हूँ तो आप जांच स्थल पे भैया मेरे साथ चलिए। मैं चिकित्सा पदाधिकारी से आग्रह करूँगा कि हमको एक एम्बुलेंस में भेजें, मैं तीनों जांच स्थल दिखाऊँगा। 10-10 लाख का छठ घाट बना है भैया, और 6 महीना में 10 के विलीन हो गया। ऐसा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सानिया परवीन और तकनीकी सहायक सैफ अली जेई, क्या ये पंचायती राज पदाधिकारी क्या करेंगे? पदाधिकारी नहीं, नेता ही घुसखोर होते हैं, तब पदाधिकारी घुसखोर होते हैं। तो हम फिर से कहना चाहेंगे, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, भ्रष्टाचारियों को अब क्षमादान नहीं मिले दरबारों से। तो बिल्कुल, भ्रष्टाचारियों को अब जो है न्यायालय से गुहार लगाना चाहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बैठे वहाँ जो तख्ते पर है ना, वहाँ तक वीडियो पहुँचे। बहरहाल, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, और ऐसे आंदोलनकारी के प्रति जो है, अनशनधारी के प्रति क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।